अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग जॉब के ऊपर। आप घर बैठे राइट करके बहुत ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। बट ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी स्टडी कर चुके हैं या स्टडी करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो जस्ट स्टूडेंट के लिए है आज की वीडियो। सो, अगर आप स्टूडेंट हैं और या आपके फैमिली में कोई स्टडी कर रहा है तो ये अप्रोच कीजिएगा वीडियो उन तक। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आएंगे जिसका नाम वेबसाइट का है writerbay.com। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वह आप वहां पर भी इसको क्लिक करके डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। वेल, सबसे पहले मैं Writerbay की आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये 5 वो टॉपर हैं जिनको एक माह में अर्निंग हुई है तकरीबन $7,000, $3,600, $3,200, $3,200, $3,100। ये लाखों में बनते हैं। अगर आप भी राइटिंग करना चाहते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने जस्ट अपने राइटिंग करनी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने राइटिंग करनी है। बहुत इजी, बहुत आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। वेल, ये यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो सी हैं वो पहले देख लेते हैं कि मिनिमम ऑफ बैचलर डिग्री हाई एकेडमिक लेवल राइटर्स गाइड। सॉरी फॉर दैट के अगर जिसकी बैचलर नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता इसके अंदर। बट ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई बैचलर जिसने किया हुआ है, 14 जिसने जमातें पढ़ी हुई हैं, वो आप ये वीडियो उस तक शेयर करें ताकि चलें उसका फ़ायदा हो सके। आपकी फैमिली मेम्बर में कोई है या फ्रेंड्स के अंदर कोई है या कोई जानने वाला है आप जिसने बैचलर किया है, उस तक ये वीडियो लास्ट में अप्रोच करें ताकि उस बंदे का फ़ायदा हो सके। वेल, एबिलिटी टू यूज़ देयर पेमेंट ऑप्शंस वी सपोर्ट। पेमेंट मेथड वाला ये बाद में आपको बताऊंगा किस तरह आप ले सकते हैं। वेल, मैं नेक्स्ट पे तब तक ओपन कर लेता हूँ इसका। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए आप लोगों के पास और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए इसमें। अच्छा, यू हैव बैचलर डिग्री और या फिर हैव एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, फील फ्री टू अप्लाई। अच्छा, इसमें जो सी या तो आपकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर की या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई भी जो सा सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 100+ जो आई थिंक सो यहाँ पर सब्जेक्ट है जो आप चूज़ करके राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, लॉ है, लीडरशिप है, इसके बाद मैनेजमेंट है, मार्केटिंग, म्यूज़िक है, नर्सिंग है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है किस तरह आप करेंगे। टॉप 10 जॉब्स अवेलेबल विद 24 आवर आपको ये जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। यार, इजीली आप काम कर सकते हैं अपने घर बैठ के। जैसे आप रजिस्टर वाले पेज पर आ जाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना, वेल, यहाँ पर आपने पर्सनल जो डिटेल देनी है, आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मेल ना फीमेल हो जो भी हो आप यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। फीमेल हो तो आप फीमेल पे टिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इनको और उसके बाद आपका यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा, कंट्री, सिटी आ जाएगी, उसके बाद आपका ईमेल, ईमेल के बाद आपका फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद ये अगर आपके पास हैं अल्टरनेटिव ईमेल तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। वेल, जब आप नेक्स्ट कर लेंगे, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे मांगी जाएगी, तो आपने फर्स्ट में अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि आपने यहाँ पे इंग्लिश ही रखनी है, ठीक है। आपने ओबियसली यहाँ पर इंग्लिश में ही सब कुछ लिखना है। उसके बाद आपकी अदर लैंग्वेज में आ जाता है उर्दू एंड इंग्लिश। अगर आपकी कुछ भी है यहाँ पर ज़बान, अगर आप इंडिया से तो आपने यहाँ पे अपनी हिंदी लिख लेनी है, जो आपकी है, जो बांग्लादेशी है या जहाँ से भी है आप वहाँ पर इसको पुट कर सकते हो, ठीक है, लैंग्वेजेस को। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिग्री आ जाएगी कि आपकी क्वालिफिकेशन एकेडमी की डिग्री क्या है। तो मेरी मास्टर है तो मैंने यहाँ पर मास्टर कर लिया। अगर आपकी बैचलर है या कुछ और है तो आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं। अगर आपने मेजर सब्जेक्ट किस में किया हुआ है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट 3 to 7 डिसिप्लिन यू आर प्रोफेशनल इन। आप किस में प्रोफेशनल हो वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इन्वायरमेंट स्टडी मैंने लिखा हुआ है और बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी जो आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ केयर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस एंड लाइनर प्रोग्रामिंग और एंड पे जो इंग्लिश लिटरेसी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने अपनी जो से ना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है सॉफ्टवेयर आपको कौन कौन से चलाने आते हैं। जो आपको सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं वही यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, ठीक है। मैंने अडोब फोटोशॉप, एक्सेल, इंस्टॉलिंग सर्वर और लैन नेटवर्क यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जो थर्ड वाला एंड लास्ट आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप कब तक यहाँ पर अवेल हो सकते हैं, यानी कि 24/7 में दिन एक दिन में कि कितना हो सकते हो आप 24 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है अगर आप अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर, तो अगर आप अर्जेंट ऑर्डर लेना चाहते हैं तो या आप इसको आप ग्रीन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपने बारे में लिखना है, अबाउट मी, कि आप क्यों इसको ज्वाइन करना चाहते हो, क्या रीज़न है, जो आपकी डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। ओके हो गया, बहुत इजी, बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ पे नहीं लिख के बताऊँगा क्योंकि अगर मैं आपको लिख के बताऊँगा आप सिंपली उसको कॉपी कर लोगे और वहाँ पे पेस्ट कर दोगे, इससे क्या होगा प्रॉब्लम आती है उनके सर्वर में, वो कहता है ये यार कहाँ से ये चीज़ आ गई है, तो इस वजह से ना ये मैं आपको चीज़ नहीं दिखा सकता, ठीक है। उसके बाद तो आपने यहाँ पर मोटिवेशन लेटर अपने टाइप कर देना है अपना, ठीक है, इस जगह पर। तो उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने इस न्यूज़ को कहाँ पे सुना है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने फेसबुक या कुछ भी रख लेना है, और जो आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या यूट्यूब यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपने उसका लिंक सेंड कर देना अपना, ठीक है, अपना सिर्फ। थोड़ा सा बोर्ड में मैं जाके दोबारा बताता हूँ कि आपने एक ऐसे टाइप करना होता है, ठीक, जैसे आप से इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या चीज़ है ये क्या नहीं, तो आपने हर चीज़ अपने बारे में इसमें बता देनी है एक लाइक का ऐसे, ठीक है। और आप मोटिवेशन में आप इन कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इसको आप कितना बेनिफिट दे सकते हैं वगैरह वगैरह यहाँ पर आपने कर देना। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने इन दो चेक्स को ओपन कर लेना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फॉर्म सबमिट कर देने के बाद आप लोगों ने अब इस पर वर्क कैसे करना है, हाउ टू वर्क, तो आपने हाउ टू गेट स्टार्टेड रजिस्टर कर देना है अपना अकाउंट जो होता है वो writerbay.com के साथ और पास द ग्रामर टेस्ट। तो आप लोगों ने सिंपली अपना ये टेस्ट पास करना है, ठीक है। MCQs होते हैं, वो किस तरह पास करते हैं अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, मैं आपको उसकी लाजमी वीडियो बना के बता के किस तरह आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इसके MCQs, वो सारा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके हो गया, उसके बाद आपकी यहाँ पर CV आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, और आप लोगों ने फिर क्या करना है, वर्क इस तरह इस पर किस तरह करना है, आप लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है उसको कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट करने के बाद आपने उसको अपलोड कर देना है। ओके हो गया, उसके बाद आप लोगों ने गेट पेड फॉर योर वर्क, जो आपकी वर्क की पेड पे होगी पैसे होंगे डॉलर में, वो आप किस तरह लेंगे वो आप देख लेते हैं। तो पेमेंट मेथड के ऊपर जाएंगे अब, तो यहाँ पर आप वेब मनी के थ्रू पेमेंट ले सकते हो, हाइपर वॉलेट के अंदर ले सकते हो, पायनीर के अंदर ले सकते हो। तो सबसे बेस्ट जो है पायनीर है, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी जो कमीशन है वो 5% है, इसकी 0.75% कमीशन है, और पायनीर की जो है ना वो कोई कमीशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आप ग्लोबल ये बैंक है, ईज़िली आप अपने बैंक के थ्रू या इजी पैसा जैस कैश में ईजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पायनीर का। दूसरा ये है कि एवरेज पेमेंट क्या है, अगर देख लेते हैं आप एक दिन में काम करते हैं तो आपको कोई एक पेज बनाते हैं या अच्छा दो पेज बनाएंगे तो आपको $18 मिलेंगे, एक पेज बनाएंगे तो आपको $9 मिलेंगे, अगर आप 15 पेज बना लेते हो, ठीक है। यानी कि एवरेज रेट की बात करें तो आपको ₹76 मिलेंगे डे वर्क्स मंथ, यानी कि इतने 8 दिन में अगर काम करेंगे एक पे एक प्रोजेक्ट पे तो आपको जो सा ना वो $76 मिलेंगे एक माह के, ठीक है। और पर डे में यहाँ पर लिखा होगा अगर आप 15 दिन भी काम करते हैं ना, बाकी 8 दिन कर लेते हैं, तो आपको $598 मिल सकते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड फॉर यू बिकॉज ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें,
تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایم سی کیوز ان کے کس طرح حل کرنے ہیں, اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں, میں اس کے لیے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا. سو یہی تھی آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو لازمی لائک کر کے سبسکرائب کر دیں اور دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے گا. ملتے ہیں اچھی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ.